हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम इकबाल और आज हम बात करेंगे एंड्रॉइड मोबाइल को कैसे रिसेट कर सकते हैं और उसमें नया जीमेल आईडी कैसे बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेन्यू में जाइए, मेन्यू में जाने के बाद आप देखिए वहां पे एक सेटिंग लिखा हुआ है, सेटिंग पे आप क्लिक कीजिए। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप जाइए तो कहीं पे आपको देखिए लिखा रहेगा बैकअप एंड रिसेट, जहाँ बैकअप और रिसेट लिखा हुआ वहाँ पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आएगा सबसे नीचे में आप देखिए फैक्ट्री डाटा रिसेट लिखा हुआ है, फैक्ट्री डाटा रिसेट पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे रिसेट डिवाइस बोलेगा, रिसेट डिवाइस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपसे एवरीथिंग क्या आप ओके करना चाहते हैं। अगर आप ओके कीजिएगा तो आपका जितना भी पर्सनली डाटा है, कॉन्टेक्ट है, ऑडियो वीडियो सारा डिटेल डिलीट हो जाएगा। तो अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये आपका रिसेट हो गया। अगर ये अभी रिसेट होने के बाद अभी थोड़ा टाइम लगेगा तो तब तक हम रुक जाते हैं, ये काफ़ी टाइम ले सकता है दोस्तों, हो सकता है ये 10 मिनट तक का भी टाइम ले। तो आप हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप रिसेट कीजिएगा तो आप 30% से अधिक बैटरी हो आपका तो ही आप रिसेट कीजिए, ठीक है। पे लिखा हुआ ना लैंग्वेज चूज, तो आप इंग्लिश पे सेलेक्ट कीजिए और स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो इंग्लिश ही सेलेक्ट कीजिए और इसको स्टार्ट जो है यहाँ पर देख रहे हैं ना, स्टार्ट पर प्रेस कीजिए। तो मैं ये आपको स्टार्ट पर प्रेस करके दिखाता हूँ। ये मैंने स्टार्ट पे प्रेस किया, फिर नेक्स्ट किया और नेक्स्ट करने के बाद ये बोल रहा है कि आप अंडरस्टैंड एग्री टू टर्म एंड कंडीशन, जो भी इस डिवाइस का है उस पर आपको क्लिक करना है। तो आप इसमें नो थैंक्स करके आप नेक्स्ट में चले जाइए। आप नेक्स्ट में चले गए, अब ये देखिए थोड़ा टाइम लेगा चेक इन का है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।